तो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है स्टार फोटो लैब में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आबिश अजीम। और आज मैं आपको फोटो एडिटिंग के ऊपर एक फ्रेश चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें सिर्फ हम स्किन स्मूथ के ऊपर बात करेंगे, यानी चमड़े की धुलाई सफाई के ऊपर बात होगी। यहां पे कलर करेक्शन की वीडियोज़ अलग होती हैं और स्किन की वीडियोज़ अलग होती हैं, तो आप इसको मर्ज नहीं करें। यहां पे चेहरे में जो दाग धब्बे होते हैं, जो पिंपल्स होती हैं, उनको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि शादी से पहले लड़के घर पे जो बारात आती है, लड़की वालों के यहाँ बारात से पहले आता है क्या आता है, वो आता है पिंपल्स, दाग धब्बे, मुहासे, और वो बन जाती हैं फोटोग्राफर्स के सर के दर्द। क्योंकि हर बंदे को अपना फेस क्लीन चाहिए होता है, हर बंदे को अपना फोटोज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए होती है, और दाग धब्बे तो भाई हर बंदे के फेस पे होते ही होते हैं। अब इनको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये है वीडियो में हमारे पास कुछ फोटोज़ रेफरेंस के तौर पे, और मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा कि फोटोज़ में जो स्किन है, स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, यानी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं और दाग धब्बे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमारे पास यहाँ पर एक स्किन स्मूथ बटन भी लगा हुआ है बटरफ्लाई का, या फिर ये मैं फ़िल्टर पे जा करके यहाँ पे स्किन स्मूथ पे जो स्किन फिनर है उस पर करूँगा। ये एक वीडियो सेपरेटली स्किन फिनर की ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है, वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्किन फिनर, इसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है। फाइल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ओपन करना, सेव करना या संरक्षित करना, ये सारा काम फाइल का होता है। उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट का मतलब होता है किसी तरह का भी मॉडिफिकेशन, ये शॉर्टकट कीज वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्यूज़ में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे बिफोर आफ्टर आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, जूम इन जूम आउट, जूम को आप कैसे प्लस माइनस करेंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और यहाँ पे एक हेल्प का बटन दिया गया है। ऊपर में आपको यहाँ पे जिस वर्जन का स्किन फिनर यूज़ किया जा रहा है वो दिख रहा है, और साथ में कौन से फोटो नंबर की फोटो खुली हुई है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे एक नेविगेशन है, नेविगेशन मतलब आपको रास्ता बताना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट है, और ये मैंने अंदर खोला, इसको डायरेक्टली नहीं खोला, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको अलग से भी लग सकती हैं। अब यहाँ बिफोर आफ्टर आप देख रहे हो, एक तरफ यहाँ पे हिस्ट्री बन रही है, और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ चार बेसिक बटन्स दिख रहे हैं। ऊपर एक प्रीसेट्स का बटन है, जिसमें कि आप ऑलरेडी बने प्रीसेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने प्रीसेट्स को आप बना सकते हैं। बनी हुई फोटो को ओके करेंगे, वापस ये फोटोशॉप में चली जाएगी। ये मास्किंग एरिया है, मैं आपको फटाफट से बताऊंगा कि ये जो है चार चीज़ें वो क्या है। सबसे पहले ये स्किन मास्क है, यानी कि ये बता रहा है कि कलर जो टोन है वो टॉलरेंस यहाँ से यहाँ तक के लेवल पर लिया जा रहा है। ये टॉलरेंस को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी टॉलरेंस जितना कम रहेगा आपके स्किन के एरिया को वो यहाँ पे दिखाएगा। इस एरिया में आप देख सकते हैं टॉलरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो आपके स्किन से रिलेटेड जो कलर्स हैं उनको पहचानेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने होंठ को, आँखों को, सबको बंद करके रखा हुआ है, सिर्फ स्किन खुली हुई है। तो ये हो गया। इसमें आप फेदर भी डाल सकते हैं अगर आप फेदर डालना चाहते हैं। फेदर एक चीज़ होती है जो बिल्कुल धार नहीं बनाती, खुला हुआ रहता है, वो चीज़ होती है फेदर। मतलब फटी हुई चीज़ और कटी हुई चीज़ में जो फ़र्क होता है, जो फटने के बाद दोनों हिस्से में कुछ कुछ अंश आता है, वो फेदर की तरह से ही समझा जाएगा। और यहाँ पे ऑपेसिटी भी दी गई, कितनी ऑपेसिटी वहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउन हो जा रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर पहले स्किन मास्क। दूसरी चीज़ है स्किन की डिटेल्स। तो भाई साहब क्या है कि मैं इसको जूम कर लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो डिटेल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्किन में अगर आप इसमें स्पेस बार को दाबेंगे तो आप ओल्ड स्किन देखेंगे, और इसमें छोड़ देंगे तो नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये पांच चीज़ें, अमाउंट आपका जितना कम होगा वो चीज़ें उतनी कम हो जाएंगी, और अमाउंट आपका जितना ज़्यादा होगा ये ब्लर उतना ज़्यादा होगा। तो आपको ऐसा रखना है कि नेचुरल फील भी हो और आपकी चीज़ें क्लीन हो। फाइन को आप जितना कम करेंगे ये इतने ज़्यादा टेक्सचर ज़्यादा दिखेंगे, और फाइन जितना ज़्यादा करेंगे वो टेक्सचर उतना कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मीडियम क्या मतलब होता है, रास्ता कहाँ कहाँ पे ये जा रहा है। जैसे मैंने पूरा कम किया तो आप देख सकते हैं कितना ख़राब लग रहा है आप देखने में, लेकिन इसको मैं जैसे जैसे मीडियम को बढ़ाता जाऊँगा ये फोटोज़ उतनी स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे कोरस क्या है कि अगर मैंने इसको कम कर दिया तो आप देखेंगे इसमें नेचुरल जो लाइन्स है वो आपको दिखाई दे रही हैं, पर मैं अगर इसको बढ़ा दूंगा तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। तो आप इसको देख सकते हो, ये है बैलेंस भाई साहब। इसमें क्या है कि आपको इस तरफ कम, इस तरफ बहुत ज़्यादा, तो इसके बीच में आपको बैलेंस बना के रखे रहना है। ये हो गया आपका स्किन डिटेल। फिर है स्किन इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन में क्या चीज़ होती है कि जैसे मैंने आपको कलर करेक्शन में भी बताया था, फेस पे रेडनेस या येलो कलर ज़्यादा हो जाने पे आपको इस अमाउंट को जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे की चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी, और अब आप देखेंगे यहाँ पे रेडनेस है। रेडनेस को आप कम कर देंगे
और उसके ब्राइटनेस को भी कम कर देंगे तो चेहरे पर से रेड टोन खत्म हो गया। सेम येल्लो में भी आप येल्लो कम कर देंगे और ब्राइटनेस कम कर देंगे तो येल्लोनेस भी थोड़ी कम हो जाएगी। और ये बैलेंस है, इसको आप बैलेंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। अब बचती है एक चीज़ आखिरी और महत्वपूर्ण, वो है स्किन टोन। अब स्किन की टोन जो आप किस तरह से लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपने अगर जैसे प्लस कर दिया तो ये प्लस हो गया और इसकी सेचुरेशन आपने जितनी आपने ब्राइटनेस दी है उसकी कम से कम 50% आप सेचुरेशन दे दें, ताकि वो जो है बिल्कुल चटी हुई सफ़ेद बेकार बकवास फोटो ना लगे। उसके बाद यहाँ पे शेडो है, शेडो आप देखेंगे अगर आप डाउन करते हैं शेडो तो ये इफेक्ट है और अप करते तो ये इफेक्ट है, तो आपको देखना अगर ज़रूरत है तो आप इसको छेड़ेंगे नहीं तो नहीं छेड़ेंगे। अब हाईलाइट, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये वाली फ़ोटो में फ्लश फायर हुआ, यहाँ यहाँ पे चमक आ गई है, तो हाईलाइट्स को हम कम करेंगे तो हमारी फ़ोटो जो है वो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो वो एरिया ये पॉइंट सारे दिखने लगेंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कम ही रखना पसंद करेंगे। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, ये सारा काम जो हुआ उसकी यहाँ पे एक पूरी हिस्ट्री भी बन चुकी है, और जो फ़ोटो है वो बिफ़ोर ऐसी थी और आफ्टर ऐसी है। ये काम स्किन फिनर सॉफ्टवेयर करता है और ये पूरी ट्यूटोरियल स्किन फिनर के ऊपर थी। अगर आप स्किन फिनर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता तो इस वीडियो से आपको शायद सीखने को मिला हो। यदि सीखने को मिला हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के कमेंट करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे, तो ऐसी ही और कम वीडियो एडिटिंग के ऊपर मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा, और आपके क्लाइंट्स जो है वो बढ़ते रहेंगे और आपके बिज़नेस में तरक्की होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।